हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिश स्टडी फॉर यू। दिस इज बेबी एंड वी आर लर्निंग कोरल ड्रो। और कोरल ड्रो की वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट की के बारे में। इसमें हम लोग एडवांस शॉर्टकट की कवर करेंगे। बेसिक शॉर्टकट की पहले से ही वीडियो बन चुकी है और हम लोगों ने टूल बॉक्स पर भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। इसमें हम लोग केवल एडवांस जो यहाँ पर सारी मेनू बार में जितनी भी की होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आकर के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और चलता हूँ। फाइल एडिट कर चुका हूँ। अब इसमें व्यू में, व्यू में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो की होती है वो है F9। F9 क्या होता है? इसको फुल स्क्रीन प्रीव्यू करने के लिए होता है। अगर मैं F9 प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू में आ चुकी है। और अगर अब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वापस से वही आ जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा Ctrl+Q। कंट्रोल प्लस क्यू क्या होता है? अगर मान के चलिए अभी मैं यहाँ पर इसमें कोई एडिटिंग करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ से सेव टू ले लेता हूँ और अभी अगर मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से एडजस्ट हो रहा है। मान के चलिए अगर इसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ तो अभी ये नहीं आ पाएगा, और इसको शेप्स को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व्स करना पड़ेगा। तो मैं Ctrl+Q प्रेस करता हूँ तो ये देखेंगे आप कर्व्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर हम लोग इसको चाहें जैसे भी मूव करना वैसे हम लोग मूव कर सकते हैं। अगर दो को पकड़ के मैं करूँ कि उस भी जैसे भी ले जाना चाहें उस तरह से हम लोग इसको ले जा सकते हैं। तो ये होता है कन्वर्ट टू कर्व्स में। अब अगर हम लोग इसको, अभी तो ये था ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं स्पेस से इसको पिक टूल लेकर के और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर कोई शेप है, मान के चलिए मैं यहाँ से फ्री हैंड से कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके, और आउटलाइन में कर लेता हूँ काफ़ी बड़ी। अब अगर इस आउटलाइन में हम लोग कोई कलर वगैरह फिल करना चाहें तो यहाँ से अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी कलर फिल नहीं होगा। अगर ये अभी शेप ये बंद नहीं है ना पूरी तरह से तो इसमें कलर भी नहीं आ रहा है। अगर हम लोग राइट क्लिक करें तो इसमें कलर फिल हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए हम लोग Ctrl+Shift+Q प्रेस करेंगे। अगर मैं Ctrl+Shift+Q करता हूँ तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट में हो गया। अब अगर हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कलर वगैरह फिल हो जाएंगे। और इसमें हम लोग जो भी एडिटिंग करना चाहें, मान के चलिए इसके अंदर आप पावर क्लिप वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और मान के चलिए यहाँ पर अगर हम लोग इसमें फाउंटेन फिल देते हैं कोई, मैं यहाँ से आकर के स्क्वायर यही ले लेता हूँ और अगर ओके करते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें ये फिल हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और कोई शेप और ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर के मैं शेप टूल से ड्रॉ कर लेता हूँ बहुत सारी शेप्स, और इसमें मैं अलग अलग कलर फिल कर देता हूँ। इसमें कर देता हूँ मैं ये कलर फिल, और इसमें भी कोई अलग कलर, और इसमें भी और कोई अलग कलर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है हमारा Ctrl+G। Ctrl+G क्या होता है? मान के चलिए अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ कहीं पर, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ तो ये एक एक करके मूव करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को एक साथ मूव करना है तो या तो हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करें और फिर मूव कर दें, लेकिन यहाँ पर मूव तो हो जाएगा। मान के चलिए एक कॉपी और है ठीक है, यहाँ पर रखी है। अभी मैंने ये तीनों को मूव तो कर दिया था, लेकिन अब हम इन तीनों को मूव करना चाहते हैं तो अब तो या तो हमें इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ फिर इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, या तो हमारे पास एक ए ऑप्शन है या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम इन तीनों को सिलेक्ट करके, मान के मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ और इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके और Ctrl+G कर देता हूँ। Ctrl+G हो जाएगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब अगर हम लोग किसी को भी पकड़ करके मूव करेंगे कहीं पर भी तो ये ग्रुप में मूव होगा। देखो मैं अगर करता हूँ ये अलग अलग होंगे मूव, लेकिन ये ग्रुप में मूव होगा। और अगर हम लोग चाहते हैं इसको अनग्रुप करना तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+U। Ctrl+U से ये अनग्रुप हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको कहीं भी मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेज अप पेज डाउन। अब पेज अप पेज डाउन क्या होता है? मान के चलिए मैं बहुत सारी शेप्स यहाँ रख लेता हूँ, एक ही अलग अलग कलर चाहिए पड़ेगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। ये हाँ ओके, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको पहले यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, और ये शायद ओके,
उसको मैं साइज को भी बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास इतनी सारी शेप्स है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये शेप अभी आप देख रहे होंगे इस शेप के नीचे आ रही है, अगर इसको हम लोग ऊपर करना चाहते तो हम लोग कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे, तो पेज अप करने के बाद ये शेप उसके ऊपर आ जाएगी। और अगर हम लोग चाहते हैं इसके भी ऊपर करना तो फिर से हम लोग कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। और अगर हम लोगों को नीचे चाहिए तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे जाएगी। कंट्रोल पेज अप से ऊपर जाएगी, कंट्रोल पेज डाउन से नीचे जाएगी। अगर हम लोग चाहते हैं सबसे ऊपर हो तो इसके लिए हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस पेज अप। जैसे हम लोग शिफ्ट प्लस पेज अप करेंगे ये सबसे ऊपर चली जाएगी, और अगर हम लोग शिफ्ट प्लस पेज डाउन करेंगे तो ये सबसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जानने के लिए मैं यहाँ से कोई शेप्स कर लेता हूँ काफी ड्रॉ। और अब मैं इन सब को अगर मान के चलिए मुझे एक सीधी लाइन में चाहिए, तो इनको सीधी लाइन में लाने के लिए या तो आप लोग यहाँ से ड्रॉ करके गाइडलाइन और फिर इनको रखें, या दूसरा है आप लोग इसका शॉर्टकट की यूज करें, इन सबको सिलेक्ट करके आप करें प्रेस टी। जैसे ही आप टी करेंगे तो ये सारी टॉप में आ जाएंगी। और अगर आपको सेम ऐसे ही नीचे चाहिए तो आप लोग बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम से हो जाएंगी। और इसी तरह आप लोग लेफ्ट से चाहते हैं तो लेफ्ट से करने के लिए मान के चलिए ये है इस तरह से। ओके, और अब आपको लेफ्ट से करना है, सारी शेप को मैं सिलेक्ट करूँगा, एल प्रेस करूँगा तो ये लेफ्ट से हो जाएंगी, और आर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड से हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस टी तो ये टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस टी करूँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट की हमें सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अब अगर हम लोग जो भी इसमें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, जैसे जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है उनको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में यहाँ पर जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है इन सबको आप चेंज कर सकते हैं। तो अब तो और इसमें कुछ है नहीं इतनी जो इम्पोर्टेंट की हो, मैंने सारी की सारी इम्पोर्टेंट की जो जितनी भी थी मैंने कवर कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।